सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वन मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। और मैंने इस वीडियो में आपके लिए टॉप 5 बेस्ट कैमरा फोन पिक किए हैं 15,000 के अंदर में। तो हाँ दोस्तों, क्या आपको लेना है एक बेस्ट कैमरा फोन, लेकिन आप काफी सारे स्मार्टफोन देखकर बहुत कंफ्यूज हो चुके हो कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए 15,000 के अंदर में, जिसमें आपको कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाए। तो मैंने आपके लिए 5 स्मार्टफोन पिक किए हैं 15,000 के अंदर में, जिसमें आपको अच्छे कैमरा के साथ साथ वेल कैपेबल चिपसेट मिल जाएगा और मल्टीमीडिया वॉच करने के लिए सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी विथ फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, और अदर भी काफी सारे टॉप नॉच के स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 5th नंबर पे आता है पोको M4 प्रो 4G, और इसके 664 का प्राइस 12,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर, और इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको कैमरा, डिस्प्ले और प्रोसेसर काफी अच्छा मिल जाता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है, जो डिजाइन वाइज दिखने में काफी अच्छा लगता है, और हेडफोन जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है, और IP53 ग्रेटिंग और ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो ये थे इसके कुछ बेसिक फीचर्स। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8, जिसमें सैमसंग GW1 का कैमरा सेंसर लगा, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है, और सामने की ओर आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है, और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। तो देखो प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका कैमरा रियली में काफी इंप्रेसिव काम करता है, और फ्लिपकार्ट के ऊपर इसके कैमरा को अच्छी रेटिंग भी दी गई। तो कैमरा वाइज ये फोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई, जो सपोर्ट करती है 33 वाट के फास्ट चार्जर को। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको हिलको G96 का गेमिंग चिपसेट दिया गया, जिसका एंड्रॉइड स्कोर 3,20,000 के नियर देखने को मिल जाता है, और आप इसके ऊपर पबजी को मीडियम टू हाई सेटिंग पर 30-40fps पर रन कर पाओगे। और इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.43 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले दी गई, जिसपे काम करती है 90Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट और 1000 nits की पीक ब्राइटनेस और GG3 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। 12,000 के अंदर मोस्ट ऑफ स्मार्टफोन IPS डिस्प्ले के साथ आते हैं, बट इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसकी क्वालिटी एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव है, जिसपे आप मल्टीमीडिया को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों यदि आपको 12,000 से 13,000 के अंदर में एक बेस्ट कैमरा फोन बाय करना है तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। और 4th नंबर पर आता है Realme 9i 5G, और इसका बैक साइड ग्लॉसी डिजाइन के साथ आता है, जो दिखने में काफी CD से इंस्पायर्ड है, जो काफी लाइट वेट और स्लिम भी है, और इसमें आपको 5G के 9 बैंड्स और ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और इसके 464 का प्राइस 15,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें सैमसंग J1 का कैमरा सेंसर लगा है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ कैमरा दिया गया, और सामने की ओर आपको यू नॉच पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है, और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। इसके बाकी के कैमरा तो किसी काम के तो नहीं है, बट आप इसके मेन कैमरा और इसके सेल्फी से दिन के समय अच्छी डिटेलिंग के साथ पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे। और इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का 5G चिपसेट दिया गया है, जिसका एंड्रॉइड स्कोर 3,50,000 के नियर देखने को मिल जाता है, और ये प्रोसेसर 6nm पे बेस है, और UFS 2.2 की स्टोरेज और LPDDR4X की रैम भी दी गई है। और इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई, जो सपोर्ट करती है 18W के टाइप सी चार्जर को। और इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.6 इंचेस की FHD प्लस IPS डिस्प्ले दी गई, जिसपे काम करती है 90Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और 400 nits की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो देखो मल्टीमीडिया वॉच करने के लिए इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है, और 90Hz पे काफी स्मूथ और स्टेबल काम करता है। और यदि आप इस डिवाइस से इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो, और आप चाहे तो Realme 9 4G को बाय कर सकते हो, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, बट उसके लिए आपको 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और 3rd नंबर पे आता है 15,000 के अंदर मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन IQOO Z6 5G। वैसे तो ये फोन फुली प्लास्टिक बॉडी का बना है, बट डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी अमेजिंग और प्रीमियम लगता है, और इसमें आपको 5G के सिर्फ 2 ही बैंड्स दिए गए हैं, और 3.5mm का डुअल जैक और सिंगल स्पीकर दिया गया है, जो काफी लाउड और क्लियर है, और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, और इसके 4128 का प्राइस 15,000 पड़ता है अमेजोन के ऊपर। तो चलिए मूव करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन पे और स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ कैमरा दिया गया, जो किसी
काम के नहीं होते हैं। और यू नॉच में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूट दी गई है और आप इसके बैक और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और इसके कुछ कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको सुपर नाइट मोड, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, HDR, स्लो मोशन जैसे अच्छे और यूजफुल कैमरा फीचर्स दिए गए हैं जिसके हेल्प से आप कमाल के पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे। और इसके बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दी गई जो सपोर्ट करती है 18W के टाइप सी चार्जर को। और इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट दिया गया जो एक 6nm बेस प्रोसेसर है जिसका एंथ्रेस स्कोर 4 लाख के नियर देखने को मिल जाता है। और 15000 के अंदर आप इस चिपसेट को मोस्ट पावरफुल चिपसेट मान सकते हो जिस पर पबजी को हाई सेटिंग पर रन कर पाओगे बिना कोई लैग फील कर पाए। और इसके डिस्प्ले पे आए तो इसमें आपको 6.58 इंचेस की IPS डिस्प्ले दी गई जिसपे काम करती है 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240Hz का टच स्नैपिंग रेट और 480 nits की पीक ब्राइटनेस पे दी गई है। तो देखो इसमें आपको IPS डिस्प्ले दी तो गई है बट इसके डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है और 120Hz भी काफ़ी स्मूथ और स्टेबल काम करता है। तो ऑल ओवर 15000 के अंदर ये फ़ोन काफ़ी अच्छा जिसमें आपको डिजाइन चिपसेट कैमरा काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और आप चाहे तो वीवो T1 5G को बाय कर सकते हो जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाती है बट वीवो के लिए आपको 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्योंकि इसके 4128 का प्राइस 16000 पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पर आता है वीवो का लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो T2X 5G और ये फ़ोन इंडिया में रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है। और ये वीवो का फोन है तो इसमें आपको डिजाइन काफी अच्छा मिल जाता है और इसकी इन हैंड फील भी काफी कमाल की है। और ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 पे रन करता है और इसमें आपको 5G की 6 बैंड्स और IP54 की रेटिंग भी दी गई है। और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और इसके 464 का प्राइस 12000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो ये थे इसके कुछ बेसिक फीचर्स। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा से। तो इसके बैक साइड में आपको डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिससे आप 1080p पे 60fps पे वीडियो शूट कर पाओगे और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया और फ्रंट पे आपको यू नॉच पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है। वीवो के स्मार्टफोन अपने ऑसम कैमरा क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं और इसका कैमरा आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और फ्लिपकार्ट के ऊपर इसके कैमरा को 4.3 की अच्छी रेटिंग भी दी गई है। और इसके पावर हाउस की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दी गई जिसपे आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और इंटरबॉक्स आपको 18W का टाइप सी चार्जर भी दिया गया है। और इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 का 5G चिपसेट दिया गया जो एक 7nm बेस प्रोसेसर है जिसका एंथ्रेस स्कोर 3,30,000 के अबव देखने को मिल जाता है। और आप इस प्रोसेसर के ऊपर कोई भी गेम को मीडियम टू हाई सेटिंग पर रन कर पाओगे बिना कोई लैग फील कर पाए। और इसके डिस्प्ले पे आए तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की FHD प्लस IPS डिस्प्ले दी गई जिसपे काम करते नॉर्मल 60Hz के रिफ्रेश रेट। तो देखो इसके डिस्प्ले में आपको कोई फास्ट रिफ्रेश रेट तो नहीं दिया गया है बट इसके डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में काफी अच्छी है जिसपे आप मल्टीमीडिया को काफी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो गाइस यदि आपको 12000 के अंदर में एक वीवो का फोन बाय करना है जिसमें आपको डिजाइन और कैमरा काफी अच्छा मिल जाए तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट नंबर पर था सैमसंग F23 5G। पिछले 1-2 मंथ के अंदर सैमसंग के 2-3 फोन लॉन्च किए गए हैं बट कैमरा वाइज ये फोन अभी भी बेस्ट है। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें सैमसंग J1 का कैमरा सेंसर लगा है और आप इसे 4K 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है और फ्रंट पे आपको यू नॉच में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है। तो देखो सैमसंग का स्मार्टफोन कैमरा वाइज कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता है क्योंकि सैमसंग के स्मार्टफोन वेल ऑप्टिमाइज होते हैं जिससे पिक्चर्स काफी नेचुरल और शार्प आती है। तो कैमरा लवर्स को इसका कैमरा काफी पसंद आने वाला। और इसके पावर हाउस की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी दी गई जिसमें आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और ये फोन 25W का टाइप सी चार्जर को सपोर्ट तो करता है बट बॉक्स के अंदर आपको एडाप्टर नहीं दिया गया है, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और इसके चिपसेट की बात करो तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 750 का 5G चिपसेट दिया गया जो एक 8nm बेस प्रोसेसर है जिसका एंथ्रेस स्कोर 3,50,000 के नियर देखने को मिल जाता है। वैसे तो सैमसंग के फोन गेमिंग फोन तो नहीं होते बट आप इसके ऊपर पबजी और COD को मीडियम सेटिंग पे रन कर पाओगे। और इसके डिस्प्ले पे आए तो इसमें आपको 6.6 इंचेस की FHD प्लस TFT डिस्प्ले दी गई जिसपे काम करती है 120Hz की फास्ट रिफ्रेश रेट और 450 nits की पीक ब्राइटनेस और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। इसमें आपको TFT डिस्प्ले दी तो गई बट इसके डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में काफी अच्छी है और 120Hz भी काफी स्मूथ और स्टेबल काम करता है। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसमें आप 2 SIM कार्ड, 1 मैक्रो SD कार्ड एक ही टाइम पे यूज कर पाओगे और 5G
13 बैंड्स भी इसमें आपको दिए गए हैं और 3.5 mm का ऑडियो जैक और सिंगल स्पीकर दिया गया जो काफी लाउड और क्लियर है। और इसके साइड में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसके फोन 128 का प्राइस 15,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और 15,000 के अंदर नो डाउट ये फोन बेस्ट कैमरा फोन है जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। और आप एक कैमरा लवर हो तो इसका कैमरा आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा।